A 1.2 meter tall girl sports a balloon moving with the wind in a horizontal line at a height of 88.2 meter from the ground. The angle of elevation of the balloon from the eyes of the girl at any instant is 60 degrees. After some time, the angle of elevation reduces to 30 degrees. Find the distance traveled by the balloon during the interval. Okay. तो यहाँ इस डायग्राम में एक तो बात की गई है बैलून की और एक बात कही गई है एक गर्ल कैंडिडेट की. तो गर्ल कैंडिडेट को अपन ए भी मान लेते हैं जिनकी हाइट बताई हुई अपने को कितना 1.2 मीटर. तो वो ऑब्जर्व करते हैं कि एक बैलून है ठीक है वो ग्राउंड से कितना ऊपर है, कितना है 88.2 मीटर है, ये उन्होंने ऑब्जर्व किया ठीक है. और ये भी ऑब्जर्व किया कि इस इंस्टेंट पर उनका एंगल ऑफ एलिवेशन उनकी आई से गल की आई से बैलून का, तो गल की आई ए पर मानते हैं और बैलून है सी पोजीशन पर, तो इट मींस इट इज द ऑब्जर्वर इट इज द टारगेट. तो लाइन ऑफ साइट कौन सी बनेगी, ए सी बनेगी. हॉरिजॉन्टल लाइन कहाँ बनेगी, ए से पास करते हुए और पैरेलल टू द ग्राउंड, मान लेते हैं ये एक्स वाई है, दिस इज द हॉरिजॉन्टल लाइन ठीक है. तो एंगल ऑफ एलिवेशन क्या बनेगा 60 डिग्री. इज इट क्लियर, क्वेश्चन नहीं था. आगे क्या कह रहा है, आफ्टर सम टाइम द एंगल ऑफ एलिवेशन रिड्यूसेस टू 30 डिग्री. अच्छा एक बात और कही गई है कि बैलून जो है वो मूव कर रहा है हॉरिजॉन्टल लाइन में, मतलब अप डाउन नहीं हो रहा है, लेफ्ट राइट हो रहा है ना. वर्टिकल होता तो अप डाउन कहते और हॉरिजॉन्टल होता तो लेफ्ट राइट कहेंगे. तो मतलब या तो बैलून जा रहा है लेफ्ट साइड में टुवर्ड्स द गर्ल और ये जा रहा है राइट साइड में. अब सोच के बताओ कि अगर कुछ समय बाद एंगल ऑफ एलिवेशन कम हो गया तो बैलून दूर जा रहा था कि पास आ रहा था, सिंपल सी बात है, दूर जाने पर ही रिएक्शन होगा एंगल ऑफ एलिवेशन का. तो मान लेते हैं कि बैलून की एक नई पोजीशन कौन सी है डी, तो फिर से ये क्या कहलाएगा टारगेट, क्योंकि ऑब्जर्वर कौन है ए. तो ए से एक लाइन डी तक बना देते हैं ठीक है. तो ये लाइन ऑफ साइट हो गई हॉरिजॉन्टल है यही सही और ये कितना एंगल हो गया 30 डिग्री. यहाँ से एक लाइन यहाँ तक बना देते हैं अपन और इस पॉइंट को मान लेते हैं ई, इस पॉइंट को मान लेते हैं एफ, ये जी और ये एच, ऐसा मान लेते हैं. हमें फाइंड क्या करना है, हमें फाइंड करना है फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बैलून ड्यूरिंग द इंटरवल. मतलब हमें क्या फाइंड करना हुआ, ई एफ फाइंड करना ठीक है. आपके सामने ये रहेगा. अब मुझे बताओ ई एफ और किसके इक्वल होगा, ई एफ किसके इक्वल है यहाँ पर, ई एफ या जी एच किसी राइट एंगल ट्रायंगल के पार्ट है क्या, कौन है जी एच किस राइट एंगल ट्रायंगल का पार्ट है, ए डी एच की साइड का पार्ट है, ध्यान रखना. तो ए डी एच में कोई एंगल गिवन है क्या, कितना गिवन है 30, उसकी एक साइड गिवन है क्या, अभी तो नहीं है लेकिन निकाली जा सकती है. कैसे निकाली जा सकती है भाई, बैलून 88.2 मीटर पर ही फ्लाई कर रहा है तो यहाँ पर भी कितना होगा 88. और अगर हम ध्यान दें तो ये पूरा एक रेक्टेंगल बन रहा है जिसमें अपोजिट साइड क्या होगी, इसका मतलब है कि मैं एच डी को क्या लिख सकता हूँ 87 मीटर लिख सकता हूँ, क्या लिख सकता हूँ. तो क्या मेरे पास साइड आ गई, है ना, मेरे पास साइड आ गई, चलो ठीक है. लेकिन ध्यान दें जो फाइंड करना है ना वो कम्प्लीटली साइड नहीं है रेक्टेंगल ट्राइंगल, वो साइड का पार्ट है. उसी साइड का कोई और पार्ट क्या है भाई, जो फाइंड करना वो कौन सा है, एजी. एजी किसी राइट एंगल ट्रायंगल का पार्ट है क्या है, एसीजी. एसीजी में कोई एक्यूट एंगल गिवन है क्या, कितना, उसकी एक साइड है क्या, नहीं, ये ला सकते हैं, लाएंगे तो कितना लाएंगे, तो उससे हम उस पार्ट को निकाल सकते हैं क्या, तो हम क्या निकाल पाएंगे यहाँ से एजी, और पहले क्या निकाल पाए थे एएच, अब एएच आ गया एजी आ गया तो क्या आप एचजी या जीएच निकाल सकते हो, कैसे निकाल सकते हो, AH minus AG, that will be GH, और GH is the distance traveled by the balloon during this interval.